आज से संसद का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और जाहिर है जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर विपक्ष फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं। क्या इस बार कुछ बदलेगा? उम्मीद बेहद कम है। संसद में सरकार पर हमले की तैयारी है। पहला हफ्ता जासूसी कांड, किसान आंदोलन जैसे तमाम मुद्दों के चलते हंगामे भरा रहा और सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित होती रही। इसी दौरान राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांतनु घोष को उनके अशोभनीय व्यवहार के चलते सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। टकराव को टालने के लिए संसद की कार्रवाई शुरू करने से पहले भी सरकार सभी मुद्दों की चर्चा की बात कर रही है। संसद का सत्र चल रहा है, सरकार जो है सभी मुद्दों पर डिबेट और डिस्कशन के लिए शुरू से ही तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। अभी राज्यसभा में आपने देखा कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हुई। अनफॉर्चुनेटली चर्चा के बजाय किस तरह से डिस्टर्बेंस हो, व्यवधान हो, सदन की कार्रवाई ना चले, इससे तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। लेकिन नकवे की बात का असर होगा, उम्मीद कम है। विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है उससे एक बार फिर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चिंता उन बिलों को पास कराना है जो हंगामे की वजह से लटके पड़े हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।